नमस्कार, मैं विद्या झा सालपास किचन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ मटर पनीर रेसिपी। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले फुल आंच पे गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसको बॉईल करके उसमें मटर डालते हैं। उसे 10 से 15 मिनट तक बॉईल होने देते हैं। उसके बाद हम उस मटर को छान लेंगे। अब देखिए, अब मैंने कढ़ाई को गरम कर रखा है, उसमें तेल डाल दिया है, तेल पूरी तरह से गरम है। अब इसमें पनीर को हम तल लेंगे। आंच लो मीडियम रखें, हल्का गुलाबी इसको तलेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे निकाल लीजिए। ये देखिए, अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, मैंने अदरक, हरी मिर्च, मूंगफली, दो बॉयल टमाटर, इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी ऐड किया है, तो ये ग्रेवी इस तरह से ग्रीनिश हो गई है। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च कलर आने के लिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर आधा चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से भून लें। उसे तब तक भूनते रहे जब तक साइड से तेल ना छोड़े। अब इसमें स्वादानुसार सॉल्ट ऐड कर दें। आप चाहे तो इसमें वाइट तिल भी डाल सकते हैं जरा सा पेस्ट में, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है ग्रेवी का। इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। अब इसमें हल्का सा जब तेल छोड़ दे साइड से, तो उसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स कर दें और उसे बराबर चलाते रहें। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच फ्रेश मलाई मिक्स करेंगे। उसे अच्छी तरह से चलाते रहें। ये ग्रेवी का कलर हल्का ग्रीनिश हो जाता है। अब उसे कंटिन्यू 5 से 10 मिनट तक चलाएं और उसमें पानी डाल दें 1 से 2 कप, और जो हमने मटर रखे थे छान के वो ऐड कर दें। अब जब ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, तो उसमें जो हमने तले हुए पनीर रखे थे उसे ऐड कर दें और उसे हल्के से चलाएं और 5 से 10 मिनट तक बॉईल होने के लिए रख दीजिए। ये देखिए, ये बॉईल हो गया है। आप ऊपर से थोड़ा सा आधा चम्मच और मलाई ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच कर सकते हैं। अब उसे अच्छा सा मिक्स होने दें। आप देखेंगे कि वो गाढ़ी हो जाएगी और ये हमारा मटर पनीर बनके तैयार है। आप गार्निशिंग के लिए उस पर ग्रीन कोरिएंडर लीव्स डाल दें। तो देखिए, ये हमारा मटर पनीर तैयार है। हम आपसे अब नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।